आज मैं आपको कविता भारत माता, जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, उसकी मैं व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं और गांधीवादी चिंतन से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित रहे हैं। और ये कविता के आसपास लिखी गई जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और जब गांधी जी की अलख पूरे भारत में जग चुकी थी, और उसमें भारत जो कि एक भौगोलिक राष्ट्र था उसे माता मानकर एक पुत्र की तरह उसकी स्थिति का वर्णन इस कविता में कर रहे हैं। तो सुमित्रा नंदन कह रहे हैं भारत माता कविता में कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, भारत माता ग्रामवासिनी। यहाँ पर कवि भारत माता को ग्रामवासिनी कह रहे हैं, मतलब भारत माँ गांव में निवास करती है। उस समय भारत की जो जनसंख्या थी उसका लगभग 85% जो था वो गांव में रहता था, और गांधी जी ने भी कहा था कि असली भारत गांव में बसता है, इसीलिए वे भारत माता को ग्रामवासिनी कह रहे, अर्थात गांव में निवास करने वाली। फिर वे कहते खेतों में फैला है श्यामल, अर्थात खेतों में श्यामल यानी सांवले रंग का, अर्थात जो मिट्टी का रंग होता है, और धूल भरा मैला सा आंचल, अर्थात जो भारत के जो खेत, जो भारत माँ का जो आंचल हरा भरा होना चाहिए वो धूल से भरा है। क्यों? क्योंकि उसमें उसके मन की खेती नहीं हो रही है, नील की खेती से धरती बंजर होती जा रही है, इसीलिए वो कह रहे कि धूल भरा मैला सा आंचल, भारत माँ का आंचल धूल से भरा हुआ है और मैला हो चुका है। और गंगा यमुना में आंसू जल, मतलब जो गंगा और यमुना में जो जल प्रवाहित हो रहा है उसे कवि भारत माँ के आंसू की तरह कल्पना कर रहे हैं, और मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, अर्थात भारत माँ को कोई सजीव न मानकर उस समय अंग्रेजों की गुलामी के कारण वे उसे एक मिट्टी की प्रतिमा की तरह मान रहे हैं, वो भी एक उदास प्रतिमा मान रहे हैं। दैन्य जड़ित अपलक नत चित्तवन, अधरों में चिर निरवरोदन, युग युग के तमसे विषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भारत माँ दीनहीन है, जकड़ी हुई है, और अपलक अर्थात एक टक वो देख रहे, नत चित, नत यानी झुका हुआ, चितवन यानी चितवन यानी चेहरा, उनका सर जो है वो झुका हुआ है और वो अपलक देख रहे कि कब भारत आज़ाद होगा। अधरों में चिर निरव, अधर यानी होठ, चिर यानी न समाप्त होने वाला, निरव यानी खामोश शांत, रुदन यानी रोना। तो भारत माँ अपनी गुलामी से रो रही हैं, लगातार रो रही हैं, लेकिन वो कैसा रो रही हैं, चुपचाप खामोशी से वो रो रही हैं। युग युग के तमसे विषण मन, अर्थात जो युगों से जो गुलामी का तम है, अंधकार है, उससे उनका मन दुखी हो चुका है, विषण हो चुका है, और वह अपने घर में प्रवासिनी, अपने ही घर में वो एक प्रवासी की तरह, अर्थात दूसरे देश के नागरिक की तरह वे निवास कर रही, क्योंकि उनके घर को अंग्रेजों ने हथिया लिया है। आगे वे कहते हैं कि 30 कोटि संतान नग्न तन, उस समय भारत की आबादी लगभग 30 करोड़ थी, इसलिए वे 30 करोड़ जनता को उनकी संतान कह रहे हैं और नग्न तन कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए पूरे वस्त्र नहीं होते थे, अगर अधो वस्त्र है तो उपरीय नहीं है, तो इसलिए उन्हें वे ऐसा कह रहे हैं। अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, उस समय की जनता अर्ध क्षुधित आधा पेट खाती थी और भूखी रहती थी, अर्ध क्षुधा यानी भूख, और शोषित होती रहती थी, निरस्त्र, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं था लड़ने के लिए, ऐसी जनता थी। मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, लोग मूढ़ मूर्ख हो चुके थे, असभ्य अर्थात सभ्यता को हम भूलते जा रहे थे, अशिक्षित थे क्योंकि उस समय शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, और निर्धन थे क्योंकि हमारा पूरा जो अर्थव्यवस्था थी वो ब्रिटेन के तरफ जा रही थी और हमारा जो राजकोष था खाली हो रहा था। नत मस्तक भारत माँ, फिर उनका सर झुका हुआ है, तरु तल निवासिनी, अर्थात वो किसी तरु यानी वृक्ष के नीचे निवास करने को मजबूर है क्योंकि उसके घर पे दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है।
आगे कवि कहते हैं कि स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, कि भारत माँ के हाथों में सोने का कमल है। हम हमेशा भारत माँ को धान का कमल या अनाज का कमल या सोने का कमल लिए हुए कल्पना करते हैं, परंतु पदतल लुंठित उनके पैरों जकड़े हुए हैं जंजीरों से, और धरती जिसका मन बड़ा विशाल होता है वो भी आज कुंठा से भर गया, सहिष्णुता भूल चुकी है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, भारत माँ क्रंदन कर रही है, रो रही है, उसके होंठ कांप रहे हैं, उसकी स्मित उसकी मुस्कान खामोश हो चुकी है। राहु ग्रसित शरदेन दुहासिनी, मतलब उसकी खुशियों को राहु ने ग्रस लिया। राहु को हम ऐसा ग्रह मानते हैं जो हमारी अच्छा नहीं मानते, इसलिए राहु ने उसकी खुशियों को ग्रस लिया है। और शरदेन्दु, शरद का चंद्रमा सबसे सुंदर होता है, परंतु जब वो हास करने लगता है, वो घटने लगता है, तो भारत माँ भी शरद के चांद की तरह उसकी खुशियां घटती जा रही हैं। आगे कवि कहते हैं कि चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, कि भारत माँ की भ्रुकुटियां भवें जो है वो चिंता में हैं। क्षितिज तिमिरांकित, क्षितिज उसे कहते हैं जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहां पे तिमिरांकित तारों से सजे हुए क्षितिज है। तारे कब होते हैं बच्चों? जब अंधेरी रात होती है, मतलब उजाला नहीं है, ज्ञान का स्वतंत्रता का अमृत नहीं है, तो भारत माँ की भ्रुकुटियाँ चिंता से तनी हुई हैं, क्षितिज तारों से सजा हुआ है। नमित नयन, नमित यानी झुका हुआ, विनीत, तो उनकी जो आँखें हैं वो नमित हैं, और नभ वाष्पाच्छादित। जब भारत माँ आकाश की ओर देखती है तो उसे बादल वाष्प से आच्छादित दिखते हैं, वाष्प यानी बादल से ढके हुए दिखते हैं। बादल सूर्य के प्रकाश को रोक लेता, इसी तरह से भारत भी स्वतंत्रता के प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पा रहा। आनन श्री छाया शशि उपमित, आनत या आनन यानी मुख, जो भारत माँ को श्री आनन यानी श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी के जैसे सुंदर मुख वाली भारत माँ, शशि उपमित जिसे चंद्रमा की उपमा दी जाती है कि चांद जैसी सुंदर है भारत माँ, वो ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, जिस भारत में कभी गीता के ज्ञान का प्रकाश फैला था, आज वो ज्ञान से दूर है, मूर्खता की ओर जा रहे हैं वहाँ की जनता, और वो गीता का प्रकाश फैलाने वाली भारत माँ दुखी है। अंतिम पद में वे कह रहे हैं कि सफल आज उसका तप संयम, भारत माँ की जो तपस्या है, जो संयम है, वो आज सफल हो गया है। पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, क्यों? क्योंकि गांधी जी ने उसे अहिंसा का पाठ पिला दिया है, पढ़ा दिया है। अपने जिस तरह से पीला अहिंसा स्तन्य सुभ, जिस तरह से माँ अपने स्तनों से दूध जैसी अमृत को पिलाती है, वैसे ही यहाँ पर अहिंसा के सुधा अमृत का पान गांधी जी ने करा दिया है। और हरति जन मन भय, जनता के मन के भय को हर लिया है गांधी जी की अहिंसा के पाठ ने। भवतम भ्रम, और अंधकार को भी हर लिया, भ्रम को भी हर लिया है। जन जननी जीवन विकासिनी, अर्थात भारत माँ जनता की जननी है, भारत माँ सभी पुत्रों की माँ है, और वो जीवन का विकास करने वाली है। जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो भारत माँ सभी के जीवनों का विकास करेगी, सभी की वो माता बन जाएगी, और गांधी जी के अहिंसा के मार्ग से ही हमें आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। ये बात यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं। ये कविता जनवरी 1940 में सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी थी, और वो भारत की पराधीनता से बड़े दुखी थे, उसकी विपन्नता दीनता ये सबसे बड़े दुखी थे, और इसीलिए उन्होंने इसका चित्रण किया है। और अंत में शुभकामना संदेश देश के साथ इसे खत्म किया है कि भारत शीघ्र स्वतंत्र होगा, और भारत माता सबके जीवन का विकास करेंगी। बच्चों, इससे दो तीन प्रश्न आ सकते हैं। पहला तो यही आएगा कि इस कविता की व्याख्या करिए, दूसरा इस कविता का सारांश लिखिए। तो जो पूरी व्याख्या अभी मैंने आपको बताई है, उसी को आप संक्षिप्त रूप में लिख देंगे कि इसमें भारत माँ गांव में वास कर रही है, किसी पेड़ के नीचे वास कर रही है, अपने जनता का विकास करना चाहती है, और भारत माँ अपने ही घर में पराधीन है, जकड़ी हुई है, उसका मन जो है वो दुखी है, ये सारी बातों को मिलाकर आप उत्तर लिख देंगे। और तीसरा प्रश्न इसमें आ सकता है कि भारत को
भारत माँ कहाँ निवास कर रही है? आप अवश्य लिखेंगे कि भारत माँ गाँव में निवास कर रही है और पेड़ के नीचे निवास करने के लिए यहाँ पर बाध्य है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।